संदेश के माध्यम से माननीय सुशासन बाबू से यह जानना चाहता हूँ कि यह सृजन घोटाला में जब चार्जशीट आपके सबसे प्रिय और विश्वस्त व्यक्ति जो तत्कालीन भागलपुर के डीएम थे केपी रमैया पर चार्जशीट सीबीआई ने किया, तो मैं उम्मीद करता था कि आप इसकी नैतिक जिम्मेवारी लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शायद सुशासन में ऐसा करना भी उचित नहीं है। सुशासन अपने तरीके से आपने गढ़ा है सबको, हजारों करोड़ गरीब लोगों के गाढ़े कमाई के टैक्स के पैसे से आपको प्रबंधन के लिए, राज्य की तरक्की के लिए, विकास के लिए जो पैसा दिया गया वह आपके कुप्रबंधन का भेंट चढ़ गया और आपके चहेते पदाधिकारियों ने, कुछ चहेते एनजीओ के लोगों ने और कुछ बैंक के अफसरों ने हजारों करोड़ रुपया डका दिया। पहले इस पर आपने एसआईटी का गठन किया, इकोनॉमिक ऑफेंस में 11 केस रजिस्टर्ड हुए, 18 लोगों पर कार्रवाई हुई, लेकिन आश्चर्य ये है कि वर्षों वर्षों तक यह घोटाला चलता रहा। मार्च को ट्रेजरी के पैसे का हिसाब होता है, एक साधारण व्यक्ति भी जानता है कि 31 मार्च को क्लोजिंग डे है, उस समय पैसा सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन वर्षों वर्षों तक यह घोटाला चला और ना आपके फाइनेंस मिनिस्टर को और ना आप पता चला। हमको ऐसा लगता है कि आपकी जानकारी में ये घोटाला हुआ, और जानकारी में ये घोटाला नहीं होता तो इसके जो उन दिनों के शीर्ष केपी रमैया जिनको सीबीआई ने चार्जशीट किया और आपको बचाया, यदि किसी चार्जशीटेड व्यक्ति से उस अभियुक्त का रिश्ता हो तो उससे पूछताछ होती है, आपसे पूछताछ भी नहीं हुआ और इस तरह की अराजक स्थिति और मनोबल लुटेरों का बढ़ाने का काम आपने किया। आपने केपी रमैया साहब को, जिनके निर्देशन में यह इतना बड़ा घोटाला हुआ, तो उनको बचाने के लिए आपने समय पर वीआरएस दिलाया, वीआरएस दिला करके जेडीयू का कैंडिडेट सासाराम लोकसभा से बनाया, चुनाव हारने के बाद सरकारी पद पर पदस्थापित पुनः किया। घोटाले के बाद, घोटाले के पहले जो रिश्ते आपके साथ इनके रहे हैं, ये तो साफ है कि आपके संरक्षण में घोटाला हुआ है। इसलिए मैं आज महामहिम राष्ट्रपति जी को एक पत्र लिखा है कि पब्लिक एक्सचेकर का इतना बड़ा लूट, राजनीतिक संरक्षण। ये प्रधानमंत्री जी जो भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कटिबद्ध हैं, क्या भ्रष्टाचार से लड़ाई आपके एलाइज मुख्यमंत्री और आपके पार्टी के उप मुख्यमंत्री द्वारा इस घोटाले में जो अहम भूमिका रही है, अखबारों में भी आया है कि इनके परिवार के लोगों को गहना जेवर कहां से खरीदा गया, कितने का खरीदा गया, सीबीआई वहां तक गई, लेकिन सीबीआई जांच के दौरान सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स और एनजीओ को इसमें पकड़ा गया, बाकी लोगों को बचाया गया। बाकी जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो सीधे तौर पर जिम्मेवार हैं इस घोटाला के लिए, उनको सीधे तौर पर बचाया गया। तो मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको जनता को विश्वास दिलाने के लिए इस भ्रष्टाचार में
सरकार के मुखिया और वित्त मंत्री दोनों का सीधा सीधा हाथ है, और यह लीकेज इसलिए भी आपसे गुजारिश करने के लिए बाध्य करता है कि जिस केपी रमैया को चार्जशीट किया गया है सीबीआई द्वारा, उनसे सीधा सीधा व्यक्तिगत और अंतरंग रिश्ते मुख्यमंत्री और जी का रहा है। वह जेडीयू के 14 लोकसभा के 1914 में लोकसभा में सासाराम से उम्मीदवार रहे हैं, वहां से चुनाव हारने के बाद लैंड ट्रिब्यूनल के वो मेंबर रहे हैं, बनाए गए। या तो इस जांच को प्रभावित करने के लिए कि उनका इतना रफ्तारों से संबंध है, कोई कार्रवाई नहीं हो, लेकिन साक्ष्य इतने प्रमाणित थे कि सीबीआई इनको नहीं बचा सका। लेकिन उस आगे की कार्रवाई कि यह धन कहां कहां से गया, किनके संरक्षण से हुआ और कौन कौन लोग जिम्मेवार, एक साजिश किया गया है। हम प्रधानमंत्री जी आप के नाम एक पत्र लिखा है, महामहिम राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा है, गृह मंत्री जी को पत्र लिखा है, क्योंकि गृह मंत्रालय के अंदर ही सीबीआई आता है। क्यों सीबीआई ठहर गई मुख्यमंत्री के कार्यालय में जाने के लिए, वित्त मंत्री के कार्यालय से जाने के लिए? इतने बड़े घोटाले का दायित्व इनके ऊपर आता है और क्यों सीबीआई ठहर गई? तो सीबीआई क्या अफसरों के लिए सिर्फ बना है, अन्य आर्थिक अपराधियों के लिए नहीं बना है? इसलिए प्रधानमंत्री जी आपसे अनुरोध है कि आप निश्चित तौर से, हम प्रेस को भी, सभी साथियों को जो पत्र मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखा है उसकी प्रति उपलब्ध करा रहे हैं। ये पत्र हमने प्रधानमंत्री जी को लिखा है कि आपका जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार से, और बिहार सरकार जो एक गरीब, यहाँ अस्पताल के लिए पैसे नहीं हैं, शिक्षकों को वेतन के लिए पैसे नहीं हैं, सामान्य जो गरीब लोग हैं आज कोरोना से किस तरीके से लड़ रहे हैं इनके लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन लूट के लिए पैसे हैं। और इस लूट पर आगे कोई बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी हिम्मत नहीं करे इस तरीके से राज्य के खजाने को लुटाने का, इसके लिए आपका हस्तक्षेप मैं आवश्यक समझता हूँ। पूरा बिहार इसके लिए आपका आभारी रहेगा। आप लोग को भी एक एक कॉपी, जिसको मरना है मरेगा, यहाँ चिकित्सा का कोई व्यवस्था नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मरने के बाद जहाँ इलाज कोरोना का होता है उसी घर में लाशें पड़ी रह जाती हैं, तो लॉकडाउन का क्या मतलब? लॉकडाउन में और कोई नहीं बोलेगा, इसलिए भगवान के भरोसे हैं, हम लोग भी जी रहे हैं, चल रहे हैं। लॉकडाउन तो सरकार के लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन आवाम के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। इसको स्ट्रीमलाइन करें, लोगों के रोजी रोटी, गरीब लोगों के रोजी रोटी की समस्या है। ये सारा पैसा तो घोटाले में, सृजन घोटाले में चला गया। कितना अच्छा शब्द उन्होंने विकसित किया, आज बाढ़ से लोग तबाह है, लॉकडाउन कर रहे हैं। सारा बिहार का शहर पानी में डूबा हुआ है, हजारों हजार करोड़ रुपया निकाला गया ड्रेनेज के लिए, 15 वर्षों में कितना हजार करोड़ रुपया लूटा, और सारा शहर डूबा हुआ है, महामारी फैलेगी, लॉकडाउन रहेगा निश्चिंत से, कोई बोलेगा भी नहीं। इसलिए लॉकडाउन तो अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए सरकार की एक साजिश है।